श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन। डीएम की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने किया श्रमदान। वर्षा जल संग्रहण को लेकर बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के कोलाना ग्राम पंचायत में आज तालाब पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जिला कलेक्टर चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने श्रमदान कर वर्षा जल संग्रहण का संदेश दिया। श्रमदान के दौरान ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों अधिकारियों सहित करीब 2 दर्जन पंचायतों के सरपंच भी मौजूद रहे। लोगों को जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि आज से 10 वर्ष पहले जहां 250 फीट पर पानी था उसका जल स्तर गिरकर अब आज के दिन करीब 750 फीट पर पानी मिलता है, वो भी खारा। आए दिन पानी की मांग को लेकर जहां हम नारेबाजी करते हैं उनकी जगह आप हम सब बारिश के पानी के संरक्षण के लिए काम करें और घर ऑफिस हर जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं ताकि बारिश का पानी जमीन में जा सके और जल स्तर बढ़ सके। इस दौरान जिला कलेक्टर के संबोधन के दौरान स्थानीय सरपंच ने कोलाना सेक्रेटरी के खिलाफ मनमर्जी तानाशाही सहित लोगों को प्रशासन गांव के संघ शिविर में पट्टे देने की सरकार की मंशा के विपरीत पट्टे नहीं देने के आरोप लगाए और कहा कि महिला सरपंच से ग्राम विकास अधिकारी अभद्र भाषा में बात करता है। इस दौरान पट्टों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भी डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस पर डीएम ने 1 सप्ताह में लोगों को पट्टे सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बांदीकुई एसडीएम नीरज मीणा को निर्देश दिए और कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही। वहीं बसवा पंचायत समिति विकास अधिकारी बलदेव सिंह को खुद ग्राम पंचायत में आकर मामले में जनता सहित सरपंच की समस्याओं का समाधान कर 7 दिन में अवगत कराने की बात कही। वहीं एक युवक को कलेक्टर से उलझना भी महंगा पड़ा, जो राहत चर्चा का विषय। कलेक्टर द्वारा श्रमदान करने की बात पर बहस पे उतारू हुआ युवक पहुंचा पुलिस थाने। आइए देखते हैं बांदीकुई से ये खास रिपोर्ट। मुहिम मेरी नहीं है, जनता की है। और मुहिम इसलिए है कि यहाँ पे पानी की सख्त कमी है, आप सब लोग जानते हो पानी की कमी। अगर हम वर्षा जल जो हमारे गांव में गिरेगा या हमारे छत पे गिरेगा उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो पानी आएगा कहाँ? अगर नदी नालों में बह जाएगा या वो उसमें जज़ब हो जाएगा तो उसको निकलेगा कहाँ से? बाणगंगा के कुएं भी सूख रहे हैं, कब तक अपन बाणगंगा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? 1 साल कुआं खोदते हैं, दूसरे साल वो सूख जाए। जब तक हम इस तरीके की नारियों को, इनके आवक को नहीं सीधा करेंगे, इनके आवकों पे जो आपने खेतों में अतिक्रमण कर रखे हैं उनको, अतिक्रमणों को नहीं हटाएंगे, तो शासन प्रशासन तो आपको टैंकर से पानी पिला सकता है, आपके तो गांव में पानी हो सकता है। ये जो नाड़ी जिस पे अपन ने काम किया, अगर इसको प्रॉपर तरीके से खोदा जाए और काम किया जाए तो यहाँ मंदिर पे अगर कोई भी बोरिंग होती है तो कभी नहीं सूखेगी। तो एक गाँव तो आपका हो गया कम्प्लीट। यहाँ पे 10-15 सरपंच थे, सभी अगर इस चीज़ का एक प्रण ले लेते हैं कि इस साल में मैं ऐसा काम कराऊंगा, ऐसे 3-4 तलाइयाँ खुदवाऊंगा, चाहे वो जेसीबी के माध्यम से खुदवाऊं, चाहे लोगों से खुदवाऊं, चाहे श्रम का दान करवा के खुदवाऊं, ये श्रम का दान है, पुण्य का काम है, ये करके खुदवाऊं, तो आपके तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। मटके फोड़ने से या आंदोलन करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे अपनी एनर्जी क्षमताएं लगाएं। सर, दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे आपको शिकायत मिली है सरपंच के द्वारा कि जो सरकार की जो मंशा थी कि जो प्रशासन गांव के संघ शिविरों के माध्यम से लोगों को पट्टे जारी हों, पट्टे मिल सकें, उन पट्टों को नहीं दिया जा रहा है ग्रामीणों को, क्या इशू रहा सर इस चीज़ के लिए? जो सेक्रेटरी है जो पट्टे जारी नहीं कर रहा है, किस तरीके की कार्रवाई अब आप अमल में लाएंगे? देखिए, सरपंच और सेक्रेटरी दोनों पंचायत का अस्तित्व होते हैं और सरपंच एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि सेक्रेटरी ने पट्टे नहीं दिए। अगर ऐसा कुछ था तो सरपंच एसडीएम को बता देता, मैं श्योर हूँ कि एक्शन होता, नहीं तो मेरे को बता देते। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, पता चला है, वीडियो साहब को बोला है, इंक्वायरी करके 1 हफ्ते के अंदर देंगे, अगर सत्य है तो कार्रवाई है। और जिसमें सरपंच या ग्राम सचिव जिसकी भी गलती निकलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू।